हे एवरीवन, सो आप सभी लोगों का एसबीआई पीओ मेंस का आज पेपर था। तो यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन में कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी, दो से तीन स्टूडेंट से मेरी बात हुई है पर्सनली, तो उन्होंने बताया कि रीजनिंग सेक्शन में अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूँ तो 16 to 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कर सकते थे, अटेम्प्ट ईजी थे वो, ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो उन्होंने बताया, सिलॉक्स प्री लेवल वाला जो होता ना, नॉर्मल वाला, वो आया था, सिंपल एक क्वेश्चन आया, ठीक है, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया। वो इनपुट आउटपुट था जो कि लॉजिक इजी था, मैं बहुत बार करा चुका हूँ, बहुत से अदर फैकल्टीज ने अपने अपने यूट्यूब चैनल पे करा रखा, ऐसा लॉजिक था, ठीक है ना, इजी था स्टेप वाइज। कोडेड ब्लड रिलेशन था, बहुत इजी, जो नॉर्मली कोडेड फॉर्मेट में आता है वो आया था। डायरेक्शन बेस्ड पजल थी, क्या था थीम, कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दिया लेफ्ट टू राइट, और तीन लोगों ने नॉर्थ देखा है, तीन लोगों ने साउथ देखा, बट ये नहीं बताया कौन नॉर्थ देख रहा है कौन साउथ देख रहा है, और उसके बाद एक रेफरेंस से मूवमेंट कराई कि ए 20 मीटर नॉर्थ जाता है तो वो बी के साउथ में आ जाता है, कुछ इस तरीके से। तो अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग था, वो कुछ ने बनाया है कुछ ने नहीं बनाया। एक था फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड, ये डुएबल क्वेश्चन था, मैंने भी कराया बहुत बार और आपको मॉक में भी देखने को मिला, जो कि जिसमें जिस स्टूडेंट से मेरी बात हुई उसने कहा सर मेरे 13 फ्लोर आ रहे थे ऐसे क्वेश्चन, आपके कितने फ्लोर थे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अनसर्टेन फ्लोर एंड फ्लैट था ये, तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, डुएबल था। बाकी यहाँ पे डेटा सफिशियंसी की अगर बात करूं, अब किसी भी YouTube चैनल पे अगर कोई टीचर दो दो तीन तीन लाइन वाला डेटा सफिशिएंसी कराया और कहे कि ये पीओ मेंस में आएंगे, तो उन्होंने कहते ना सर जी अब वो जमाना नहीं रहा, एसबीआई पीओ मेंस में जो प्री की पजल्स होती है ना इतनी बड़ी, उतनी बड़ी बड़ी तो एक स्टेटमेंट था डेटा सफिशिएंसी में, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, बट इतनी बड़ी बड़ी डेटा सफिशिएंसी की दी हुई थी कि स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होता कि पहले इसको कर लूं कि पजल कर लूं, बात समझ में आ रही है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, और अगर मैं यहाँ पे गुड अटेम्प्ट की बात करूँ तो 16 से 20 क्वेश्चन थे, बाकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बनेगा ही, ऑफकोर्स बनेगा। तो ये था आज इस पेपर का एनालिसिस, तो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, कुछ इजी थे कुछ डिफिकल्ट थे, बस आपको क्या करना चाहिए था ये था कि आप सही क्वेश्चन को सेलेक्ट करें। एक मेरा स्टूडेंट सोनू ने, उसने क्या किया कि क्वेश्चंस का सिलेक्शन उसका थोड़ा सा गड़बड़ हुआ हर मोड, तो ये चीज आपको सीखनी कि अब आप आने वाले मीन्स में अब दोबारा ना करें कि जो क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो सही आप अपने लायक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले ये देखिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। चलिए अपनी गलतियों को सुधारिएगा, आप सभी लोगों ने पेपर दे दिया पीओ मेन्स का, अब 2023 में मेंस की प्रैक्टिस करिए, मेंस बूस्टर लगाइए, गाइडली का पीडीएफ बंडल से प्रैक्टिस करिए, मैं आपके साथ कराऊंगा क्वेश्चंस। मिसलेनियस पे भी हम लोग इस साल बहुत टारगेट करने वाले हैं, टॉपिक वाइज मिसलेनियस करेंगे, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय।